अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थ्री की कंप्यूटर की बुक रीड करेंगे और हमारा जो फर्स्ट लेसन होगा उसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड डिवाइसेस। हमारा फर्स्ट लेसन में का जो पेज है वो है 5। तो बच्चों हम पेज नंबर 5 पर आ जाएंगे। हमारा पेज नंबर 5 यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पे आ गए हम। और हमारा जो फर्स्ट लेसन है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड डिवाइसेस, ऊपर मेंशन भी हुआ हुआ है, इसको हम रीड करेंगे, देन हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल रही है। तो पहले हम रीड करने चले हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट, स्टोर एंड देन प्रोसेस डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन। इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड मच फास्टर। यू कैन रीड स्टोरीज, राइट लेटर्स, ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताया गया है कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को स्टोर भी कर सकता है, एक्सेप्ट और प्रोसेस करके एक नई इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, ठीक है। इसके बाद हमें कंप्यूटर क्यों हम इस्तेमाल के लिए दिया गया। हम कंप्यूटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को कम टाइम में सॉल्व कर सकता है। उसके अलावा ये हमारा काम टाइम पे भी कर सकता है और ये मच फास्टर है, यानी हम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा फास्ट काम करने पर की एबिलिटी कंप्यूटर में है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टोरीज़ को रीड कर सकते हैं और लेटर्स को राइट कर सकते हैं। उसके अलावा जब हमारे पास कोई भी पिक्चर हमने ड्रॉ करनी होती है तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसके अलावा उसमें कलर भी हो सकता है। समटाइम्स इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले गेम्स, तो हम बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब गेम्स भी जो होती हैं वो खेल सकते हैं इसमें, और एट अ टाइम हम बहुत सारे काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स एट अ टाइम दो काम या तीन काम नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर में ये एबिलिटी होती है कि वो एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा काम भी कर सकता है। मल्टीपल काम करने की एबिलिटी कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे कि अगर आप लोग सॉन्ग सुनना चाहते हैं और साइड पे आप लोग पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं और कलर करना चाहते हैं, तो ये सारे काम एट अ टाइम हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है, देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। यू कैन अटैच अदर डिवाइसेस टू इट सच एज प्रिंटर, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फोर मेन पार्ट्स बताए गए हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। इसके अलावा कंप्यूटर इनकम्प्लीट होता है, और इस अगर आप चाहें मज़ीद डिवाइसेस कनेक्ट करना कंप्यूटर के साथ, जैसे कि प्रिंटर हो गया या स्पीकर हो गया या फिर माइक्रोफोन, तो वो भी आप लोग अटैच कर सकते हैं। इस पिक्चर में भी आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेंशन किए गए हैं जो कि फोर मेन पार्ट्स हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, ग्रेड थ्री की हमने कल चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज नंबर 5 जो था वो हमने पढ़ा था, और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 6 ओपन कर लेंगे। हमारे पास पेज नंबर 6 यहाँ पे मेंशन है, देख लें आप लोग, ये रहा। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें चैप्टर 1 का वो है मॉनिटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसमें मॉनिटर, CPU और हमारे पास कीबोर्ड, माउस, ये चार हमारे पास मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। तो आज हम इनको रीड करेंगे, देन हम इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे कि हमें क्या समझ आया है। सबसे पहले हम मॉनिटर को रीड करेंगे। अ मॉनिटर लुक्स लाइक TV स्क्रीन। यू कैन सी अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, कार्टून्स, पिक्चर्स एंड नंबर्स ऑन अ मॉनिटर। It is an output device. Monitor is also known as visual display unit, VDU. There are two types of monitor: CRT, cathode ray tube, LCD, liquid crystal display. बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर बनी हुई है
जिस मॉनिटर की, और आप सब लोगों के पास अगर घर में कंप्यूटर हो तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर में टीवी स्क्रीन की तरह होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। जो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन दे वो क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, हमें हम इसकी मॉनिटर की मदद से अल्फ़ाबेट देख सकते हैं, वर्ड्स देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, पिक्चर्स और नंबर जो भी होते हैं वो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं आराम से। मॉनिटर का दूसरा नाम जो है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। और हमारे पास मॉनिटर की टू टाइप्स होती हैं, यहाँ पे मेंशन है। ए में हमारे पास CRT है, कैथोड रे ट्यूब, और बी हमारे पास है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हमारे पास जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास कंप्यूटर का है वो है CPU। जिस तरह इंसान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है बॉडी में ब्रेन होता है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर का भी जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है CPU। CPU का दूसरा जो हमारे पास नाम होता है वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट या CPU दोनों एक ही चीज़ हैं। CPU की फुल फॉर्म हमारे पास, CPU को रीड करते हैं, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एज ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ बॉडी, सिमिलरली CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शंस एंड वर्किंग। CPU कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, एंड मेमोरी यूनिट MU। हमारे पास ये पिक्चर्स बनी हुई है पार्ट्स ऑफ CPU की, के पार्ट्स ऑफ CPU में हमारे पास ALU भी मेंशन किया हुआ है, CU और MU। तो बच्चों CPU हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये हमारे पास ब्रेन कहलाता है, मेन पार्ट है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंप्यूटर का, जब हम ब्रेन की बात करें तो वो क्या होता है, CPU होता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन होता है ह्यूमन बींग्स का, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो है CPU। और CPU में क्या, वो तमाम काम जो भी काम हो रहे होते हैं कंप्यूटर में, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं परफॉर्म, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। CPU के पास तीन पार्ट्स होते हैं, जिस तरह मॉनिटर के दो टाइप्स हैं, अब CPU में तीन पार्ट्स हैं। और उनके नेम क्या हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, एंड मेमोरी यूनिट MU। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ CPU है। ये मेंशन की हुई डायग्राम जिसमें हमें थ्री पार्ट्स के नाम भी बताए गए हैं। अब हम इन थ्री पार्ट्स को स्टडी करेंगे और इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इट डज द टास्क ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेशन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन एक्सेट्रा। ये हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथ्स के अंदर आप लोगों एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और हम कंपेयर भी कर रहे होते हैं कि 5 less than 2 और 5 greater than 10, इस तरह से जो भी हम मतलब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 जो है वो लेस देन है 10 से, यस है, ये कंपैरिजन है हमारे पास, या इक्वल्स टू हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे सॉल्व होती हैं, CPU के पार्ट में। और वो CPU का पार्ट कौन सा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी कहते हैं। अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या कह रहा है, CPU controls the flow of information between various parts of the computer and coordinates the flow. कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर या उसके पार्ट्स के दरमियान फ्लो हो रही है, यानी जा रही है, कंप्यूटर
सीपीयू जो है आप मॉनिटर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुमने ये काम करना है। तो ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही हैं ये सारी कहाँ हो रही होती हैं, सीपीयू के कौन से पार्ट में, कंट्रोल यूनिट के पार्ट में, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट हैज़ टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, वन इज़ रैम, द अदर इज़ रोम। रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी, we cannot erase the data stored in it easily. However, RAM stores temporary data that can be accessed, changed or deleted. RAM stores nothing once the computer is switched off. Note लिखा हुआ है हमारे पास ROM. ROM की फुल फॉर्म बताई गई है रीड ओनली मेमरी। RAM की भी इसी तरह फुल फॉर्म बताई गई है रैंडम एक्सेस मेमरी। तो बच्चों हमें इसमें बताया गया है जो मेमोरी यूनिट है कि मेमोरी यूनिट की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है रैम, दूसरा होता है इसका पार्ट जो है दूसरी टाइप हमारे पास रोम है। अब ये रैम और रोम क्या है? रैम और रोम आप यूँ समझ लें कि दो बहन भाई हैं। बड़ा जो है वो रोम है और उसको बातें याद रहती हैं, और जो छोटा है वो रैम है उसको बातें याद नहीं रहती। रोम को बातें याद रहती हैं इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? परमानेंट मेमोरी। जब परमानेंट मेमोरी में रोम को जो भी बातें बताई जाती हैं, जो भी काम उसको बताया जाता है, वो अपने पास स्टोर कर लेता है और उसको फिर इरेज नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट मेमोरी। अब जो रैम है, रैम को बातें याद नहीं रहती हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेम्प्ररी मेमोरी, यानी टेम्प्ररी डेटा स्टोर करता है, थोड़े वक्त के लिए डेटा को स्टोर करता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो इरेज कर देता है। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो डेटा इरेज हो जाता है। तो इसलिए इनकी कहा गया है कि रैम जो है वो एक मरतबा स्टोर करेगा जब कंप्यूटर ऑन होगा, जब कंप्यूटर ऑफ होगा तो रैम सारा डेटा रिमूव कर देगी, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने टू पार्ट्स को डिस्कस किया था कंप्यूटर ग्रेड 3 की जो बुक में, हमने टू पार्ट्स कंप्यूटर के डिस्कस किए थे, मैं मॉनिटर और सीपीयू। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आज थर्ड पार्ट को हम रीड करेंगे, और वो थर्ड पार्ट क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड को रीड करते हैं। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, यू कैन टाइप अल्फ़ाबेट नंबर्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज। ये हमारे पास एक चार्ट या एक टेबल बना हुआ है जिसमें अल्फ़ाबेट कीज़ बताई गई हैं कि अल्फ़ाबेट कीज़ क्या हैं, नंबर कीज़ हैं हमारे पास, पंक्चुएशन कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, एरोज कीज़ हैं, सिंबल कीज़ हमारे पास मौजूद हैं, और उसके बाद जो लास्ट है वो है स्पेशल की। अब ये क्या कह रहा है कीबोर्ड? कीबोर्ड की यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, आप सब लोग देख सकते हैं, जिन जिन के घर में कंप्यूटर अवेलेबल है वो देख सकते हैं कि इसी इस टाइप की कोई चीज़ उनके कंप्यूटर में है। अगर है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि तुमने क्या राइट करना है, क्या हमने कौन सा वर्ड लिखना है, कौन सा सेंटेंस लिखना है। तो जो चीज़ हम कंप्यूटर को बताते हैं, जिस डिवाइस से बताते हैं, वो कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। और मॉनिटर से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी तो वो आउटपुट डिवाइस थी, हम उसको नहीं दे रहे थे, वो हमें बता रहा था कि ये देखो ये कार्टून्स हैं, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, पिक्चर्स हैं। लेकिन कीबोर्ड से हम बता रहे हैं कंप्यूटर को कि ये वर्ड तुमने लिखना है, ये नंबर टाइप करना है, ये अल्फ़ाबेट राइट करना है। तो जो चीज़ हम खुद से बताएं कंप्यूटर को वो होती है इनपुट डिवाइस। इसी तरह कीबोर्ड के कुछ टाइप्स हैं कीज़ की, के कौन कौन सी कीज़ इसमें होती हैं। ये हमारे पास जो आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में वो हैं कीज़, ये कीज़ मेंशन की हुई हैं। आप सब लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेट कीज़ आपके कीबोर्ड में बनी हुई होंगी, ABCD, ये सारी क्या हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर कीज़ हैं, नंबर कीज़ भी मेंशन होती हैं कीबोर्ड में बिल्कुल टॉप पर, यहाँ पे हमारी ये लाइन जा रही है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 को 0 मेंशन किया होता है। उसके बाद पंक्चुएशन कीज़ होती हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन की में होंगी, इनको हम पंक्चुएशन कहते हैं कि इनका अलग से नाम रख दिया गया। फिर हमारे पास बिल्कुल टॉप पे एक लाइन जारी होती है F1 F2 F3 F4 F5, ये सारी F के नाम से जो हैं 1 2 और 12 तक जा रही हैं, ये क्या हैं? फंक्शन कीज़ हैं।
फिर जब हम गेम्स खेलते हैं तो एरो की यूज़ करते हैं, और ये एरो की यहाँ पे भी मेंशन की गई है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर सिंबल की हैं, सिंबल की में प्लस साइन आ जाता है, और इक्वल्स टू साइन आ जाता है, परसेंटेज साइन, एट द रेट आ जाता है, या डॉलर साइन आ जाता है, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, सिंबल कीज़ में होती हैं। और फिर स्पेशल कीज़ कौन सी होती हैं, शिफ्ट, सबके कीबोर्ड में शिफ्ट की, कंट्रोल, अल्टरनेट और डिलीट, ये सारी कीज़ मौजूद होंगी, आप लोग देख भी सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर घर पर अवेलेबल है, ठीक है। नहीं तो ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग।